अभी हम सुजमा मेट्रो स्टैंड के पास हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो है आज सुबह जिस तरह से 3:30 बजे के करीब जो है आतंकवादियों ने जो है हमला किया था एक बस पे, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो जा रहे थे, और उसके बाद जो इनकाउंटर शुरू हुआ उसमें दो जो आतंकवादी हैं उनको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने जो है वो मार गिराया। और उसी सब पे हमारे से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस सीनियर नेता व कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 74 सोबत अली चौधरी साहब, और कुछ सीनियर सिटीजन भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये जो हमला हुआ है, ये जो इनकाउंटर हुआ कैसे देखते हैं। देखिए, हमें भी आज बड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है। पहले तो हम इस चीज़ की कंडेम्ड करते हैं कि ऐसा हमारे एरिया में, क्योंकि 2018 में भी ऐसा मसला पहले हो चुका है, अब दोबारा ये आज जो जिस तरह से सुबह सुबह ये ग्रेनेड अटैक हुआ, एक जवान हमारा उसमें शहीद हो गया, हम उसको श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी फैमिली के साथ हमदर्दी जताते हैं। जिस तरह से भी ये पाक महीना, माह रमज़ान का महीना चल रहा है, जिन लोगों ने, आतंकवादियों ने ये मसला किया, उनका कोई दीन मज़हब नहीं होता। हम बार बार यही कहना चाहते हैं कि जिस एरिया में, ख़ासकर सुजमा और एडजाइनिंग एरिया, इस एरिया में बहुत ही सुबह से 3-3:30 बजे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि रोज़ा रखना पड़ता है, एक दहशत का माहौल बना हुआ है। जो भी कैचमेंट एरिया, चाहे सैनी कॉलोनी हो, चन्नी हो, मतलब इस एरिया को जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी है, चाटा हो, सुजमा हो, ऊपर भरमीनी तक, जहाँ जहाँ भी लोग जाते आते हैं, एक दहशत का माहौल बना हुआ है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, वो कौन लोग हैं। हम आपके ज़रिए यही अपील करना चाहते हैं कि इस एरिया में अगर ये हुआ है, दो मिलिटेंटों को मार गिराया है, अभी ये कह नहीं सकते कि दो ही थे, अभी कोई भी ये कह नहीं सकता कि दो ही थे, इसलिए अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमारी, खासकर मैं आर्मी को सल्यूट करता हूँ, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को सल्यूट करता हूँ, और CISF के जवानों को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने बड़ी ही होशियारी के साथ इन लोगों को मार गिराया है। और क्योंकि ये सिविल एरिया है, कहीं सिविल जाने जा सकती थी, अगर कोई भी इसमें अगर मिसहैपनिंग इससे ज़्यादा हो सकती थी, क्रॉस फायरिंग में कुछ भी हो सकता था, क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस एरिया में, कुछ भी हो सकता था, लेकिन बड़े होशियारी से, बड़े तौर तरीके से उन्होंने ये अंजाम दिया और उनको मार गिराया। मैं आर्मी को एक बार फिर आपके ज़रिए, CISF के जवानों को और हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को सल्यूट करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने बड़े इन टाइम इस चीज़ को कवर करके उनको मार कराया। और मैं आपके ज़रिए एक जुम्मेवार नागरिक होने के नाते, मैं यहाँ से कॉरपोरेटर हूँ, अपील करता हूँ अपनी सिविल सोसाइटी के लोगों को कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसे लोग अभी भी किसी पर गिला, शक, अगर शक है तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत से अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, हमारे हिंदू भाई, हमारे भाईचारे की यहाँ मिसाल है, यहाँ साथ ही कालीवीर मंदिर है, साथ मस्जिद हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, इधर मतलब एक भाईचारे की मिसाल है, एक मिसाल कायम होती है सुजमा बठिंडी नाम। तो वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने, हमें इस चीज़ की एजेंसियों को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस लोगों ने, कोई किसी की शायद तो नहीं, अगर ये ऐसी चीज़ हुई है, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है, ताकि हमारे भाईचारे में कोई खलर ना पड़े, हमारे भाईचारे को कोई नुकसान ना हो, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जो हमारे बहन भाई हैं उनको कोई जानी नुकसान ना हो। आज मुझे बड़ा दुख से ये कहना पड़ रहा है कि सुबह सुबह ही जब माह रमज़ान रोज़ों के लिए इंसान उठता है, तो उठने के बाद ही ये खबर हमें महसूस हुई और ये चली, और इस एरिया में बड़ा डर जैसा माहौल है, अभी भी बना हुआ है, अभी भी लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे हुआ। सुबह सर अगर बात करें हम, जिस तरह से लोकल जो लोग हैं, क्या लगता है आपको, क्या किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें, किसी की शह पे, जिस तरह से आपने शक भी जताया है, हो सकता है ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हम ये कह नहीं सकते, लेकिन ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि सुबह सुबह 3:30 बजे अगर यहाँ अटैक हुआ, और वो भी CISF की गाड़ी पर अटैक हुआ,
तो इसको बड़ी गंभीरता से देखने की ज़रूरत है, बड़े गौर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या कोई इन्होंने कोई एम्बुश लगा के बैठे थे, क्या कोई कब से बैठे थे, या आज ही इनका जाते जाते कोई टारगेट ये हो गया, या पहले से बैठे थे। ये बड़ी ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए और देखना चाहिए। हमारी एजेंसियाँ, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे आर्मी के जवान, हमारे बड़े इस चीज़ में माहिर हैं, वो बहुत सी बातें आपके सामने आ जाएगी। जी जी, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम रमेश है, मैं सोशल एक्टिविटी हूँ। तो सुबह सुबह मतलब कि जब हमने सुना और जब जो आवाज़ आ रही थी मतलब कि इसकी जो फायरिंग की मतलब कि सारे हम अलर्ट हो गए। जब हमने मतलब कि बाहर आके देखा तो उसको पता चला कि इनकाउंटर हो गया है। तो हम सबसे पहले हमें आप बहुत दुख है कि ये मतलब कि ऐसी वारदात हुई है और सुरक्षा बलों के ऊपर जो ग्रेनेड हमला गया है, हम उसकी मतलब निंदा करते हैं। और हम अपने पूरे इलाके में मतलब कि सबसे यही अपील करते हैं कि ऐसे मौके में हम जो भी मतलब कि शरारती तत्व है जहाँ मतलब इस तरह से हैं, हमें हमारी ये फर्ज बनता है कि उनके पर मतलब कि हम ध्यान रखें। बाकी ये सुरक्षा बलों को हम मतलब के बड़ी मतलब के हमें खुशी की बात है, बधाई है कि उन्होंने बड़े मतलब के लिमिटेड टाइम में मतलब के दोनों मिलिटेंटों को मतलब के मार गिराया, और इसके लिए हम उनको मतलब के बधाई देते हैं और उनकी सतर्कता की भी हमें मतलब के उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बाकी रही बात इसकी मतलब के ये हमारे लिए सारे इलाके के लिए एक बड़ी मतलब कि जिसको बोलते हैं दहशत सी फैल गई है कि जहाँ पे मतलब कि ये कैसे हो सकता है। हमारी सुरक्षा बलों से भी मतलब उनसे भी है कि अब हमें सबको अब सतर्क होना पड़ेगा, और जहाँ कोई भी कोई अनजान बंदा जहाँ कुछ ही है, हमारे सबका ये दायित्व बनता है कि अगर जो कोई भी है तो हमें कोई भी खबर मिलती है तो हमें सुरक्षा बलों को, पुलिस को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और सबसे मतलब के जो मतलब के वो चीज़ बात है कि हमें इस चीज़ पर जो भी मिलिटेंट गतिविधियाँ जो भी है रहा, हमें इसके सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। क्या क्या लगता है आपको, क्या किसी लोकल की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्या कोई शक इस तरह का है आपको? देखो ये जिस तरह से मतलब जिस तरह से ये चीज मुझे लगता नहीं है कि जो मतलब ये लोकल का जो है, क्योंकि इससे जिस तरह से उन्होंने किया है तो ये तो वही विदेशी ही मतलब कि इसमें मतलब उनकी भी एक्टिविटी लगती है कि जिस तरह से मतलब कि वो जो वारदात हुई है। बाकी क्या कहते हैं इसमें मतलब कि बिना मतलब के किसी सबूत के तो कुछ कहना मतलब हमारे लिए असंभव है, मगर जो कुछ भी हुआ है ये हमारे लिए ये एक बड़ी दुख की बात है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के? हम अपनी जनता को यही रखें, थोड़ा मतलब कि शांति बनाए रखें और सतर्क रहें कि ऐसे तत्वों को मतलब कि उसको कोई इसको कोई पनाह ना दे, उसका उसके साथ साथ जो भी कोई भी ऐसी है मतलब कि कहीं भी कोई भी बदला उसको पुलिस से संपर्क करें, उसको बताएं। चले, सुजमा मेडो स्टैंड के पास में है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे जो ये आज सुबह जो इनकाउंटर हुआ जिसमें दो आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है और हमारा एक जवान जो है वो भी इसमें शहीद हुए हैं। और सल्यूट है सिक्योरिटी फोर्सेस को जिन्होंने वक्त रहते जो है सिविलियंस की जानों को भी बचाया और उन आतंकवादियों को भी ढेर किया जिन्होंने ये ग्रेनेड हमला जो है हमारे जवानों पर किया था। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।